नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 12 Pro 5G versus Vivo V29 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 12 Pro 5G में 6.36 इंच जबकि V29 Pro 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 12 Pro 5G में 2.91 इंच जबकि V29 Pro 5G में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो 12 Pro 5G में 0.34 इंच जबकि V29 Pro 5G में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 12 Pro 5G में 190 ग्राम जबकि V29 Pro 5G में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 12 Pro 5G में 20:1:9 जबकि V29 Pro 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 12 Pro 5G में 6.7 इंचेस जबकि V29 Pro 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 12 Pro 5G में 1080x2412px FHD+ और V29 Pro 5G में 1260x2800px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 12 Pro 5G में 90.68% जबकि V29 Pro 5G में 90.89% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 12 Pro 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच जबकि V29 Pro 5G में 453 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 12 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और V29 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 12 Pro 5G में 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और वह 29 Pro 5G की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 12 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और V29 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 12 Pro 5G में Adreno 710 जबकि V29 Pro 5G में Mali-G 610 MC6 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 12 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 और V29 Pro 5G में MediaTek Dimensity 8200MT6896Z मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 ऑप्शन देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 8GB 12GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 12 Pro 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि V29 Pro 5G में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 12 Pro 5G में Android V14 जबकि V29 Pro 5G में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी 12 Pro 5G में 5000 mAh जबकि V29 Pro 5G में 4600 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 12 Pro 5G में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,849 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 23,885 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 28,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें वह 29 Pro 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 39,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme 12 Pro 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo V29 Pro 5G की तो उसमें 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में V29 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V30 Pro 5G है, दूसरा Samsung Galaxy A55 5G है, तीसरा Vivo Y200 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo S19 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।